दोस्तों वेलकम बैक राजेश चौधरी यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज एक्चुअली हम लोग आप लोगों को ऐसा एक प्लेस दिखाएंगे जो कि लगभग 200-300 किलोमीटर को शॉर्ट करके वही 100-150 किलोमीटर होगा, यानी कि आप यदि बाय वे यानी कि सड़क से जाएंगे तो यही आपको लग जाएगा 6-8 घंटा, लेकिन आप अभी मैं जो रास्ता से जा रहा हूँ तो वहाँ पे लगेगा सिर्फ 1-1.5 घंटा। तो चलिए हम लोग वीडियो को एक्चुअली शुरू कर लेते हैं, उसके बाद कहाँ से कहाँ कौन सा जगह से कौन सा जगह जा रहे हैं सारा कुछ दिखाएंगे। तो वीडियो पे बने रहिए, देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आने वाला चैनल का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक्चुअली फेरी के लिए लेट हो गया है, तो फेरी 10 बजे छोड़ेगा, तो अभी 10 बज गया है तो इसीलिए दौड़ना पड़ रहा है। और एक्चुअली हम जाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी से होके ऊपर विश्वनाथ चार अली यानी कि आप सुनीतपुर डिस्ट्रिक्ट जा सकते हैं, बोकाघाट से। तो इधर से जाने में आपको लगभग 1.5 घंटा में आप पहुँच जाएंगे उस पर, और यदि बाय वे सड़क होके जाएंगे तो आप लोग को लगेगा यही 6-8 घंटा। तो चलिए हम लोग पूरा दिखा देते हैं फेरी का पूरा जो है, मतलब ब्रह्मपुत्र के ऊपर होके जैसे हम जा रहे हैं तो पूरा दिखा दे रहे हैं। दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, तो चलिए देखते रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो आज। और ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, असम का सबसे बड़ा नदी है, तो इसके ऊपर ही हम होके जाएंगे। ये बहुत बड़ा है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं ये जो नदी है, आप यदि जब मतलब वर्षा काल में देखेंगे तो इस पार से उस पार आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन अभी सूख गया है पूरा, रेत निकल गया है बीच में, पेड़ वगैरह भी उग गया है, तो इसके ऊपर से ही हम लोग जाएंगे। तो एक्चुअली ये जो वीडियो होगा तो जो लोग गोलाघाट से बिलोंग करते हैं तो उन लोगों के लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा, क्योंकि जोरहाट से भी तो फेरी जाता है निमाती घाट होके। तो ये जो है बोकाघाट चारअली से होके एक रास्ता आता है, सड़क आता है, तो उसी सड़क से आपको डायरेक्टली फेरी घाट पे आने वाला रास्ता मिलेगा। तो ये है हमारा फेरी रुका हुआ है, इसी फेरी में हम जाएंगे। ओहो गॉड, दौड़ दौड़ के आए हैं भाई। हाँ, फेरी भी रेडी हो गया जाने के लिए। तो चलिए नदी के ऊपर जो सीन होगा वो दिखाते हैं। तो दोस्तों हम लोग फेरी में चढ़ गए, हमारा ये टाइटैनिक में। तो एक्चुअली हम जा रहे हैं धनश्री नदी से होके, और धनश्री नदी डायरेक्टली गिरेगा ब्रह्मपुत्र में। थोड़ा लेट हो गया था हम लोगों का, तो फिर भी टाइम में ही आ गए, ऐसे ही इतना दौड़ भाग करके आए। तो अभी जा रहे हैं, और ये जो है धनश्री घाट है, तो जाके लगेगा एक्चुअली विश्वनाथ चारअली डिस्ट्रिक्ट में। वो घाट का नाम नहीं जानता, वो लगी है तो घाटर नाम तो की है, लगी तो गाइस जिस घाट में ये फेरी जाके लगेगा वो है लवेरी घाट। तो हम जा रहे हैं और लगभग यही 1-1.5 घंटा लगेगा, और मैंने गूगल मैप में चेक किया था एक्चुअली। तो गोलाघाट से यदि बोकाघाट आते हैं तो और फेरी में जाते हैं तो लगभग यही आपको 1 घंटा उधर आने में, और प्लस फेरी में लगेगा 1-1.5 घंटा, यानी कि 2 घंटा में आप पहुंच जाएंगे उस पर। और यदि बाय रोड आप जाते हैं तो बाय रोड जाने में आपको वही लगभग 5 घंटा लगेगा, 200 किलोमीटर है। तो सुविधा यही है, आपका टाइम भी बच जा रहा है, जल्दी जाके आप पहुंच जा रहे हैं उस पर, और जाके भी अच्छा लगता है। हर रोज़ तो गाड़ी में घूमते ही हैं, बाइक में जाते हैं, साइकिल में जाते हैं, तो आज पानी से
तो देखते रहिए वीडियो को, हम उस पूरा जो वीडियो है ब्रह्मपुत्र के ऊपर कैसे चढ़ेंगे कैसे जाएंगे पूरा दिखाएंगे, तो वीडियो पे बने रहे। और ये है हमारा ड्राइवर, फेरी का ड्राइवर। स्टीयरिंग देखिए, बहुत ही गजब का स्टीयरिंग है। एक्चुअली दोस्तों, इस वीडियो में एक मिस्टेक हो गया है, जो कि मैंने मेंशन किया था बोकाघाट धनश्री घाट से होके उस पर जो घाट का नाम है वो गलत हो गया है कुछ, क्योंकि मशीन चल रहा था फेरी में तो ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था घाट का क्या नाम है। तो मैंने गलती से गलत सुनने के वजह से मैंने कपिली घाट या तो फिर लवेरी घाट कुछ भी ऐसा बोल दिया था, तो सॉरी, एक्चुअली वो कपिली घाट या तो फिर लवेरी घाट नहीं है, ठीक है, वो गमेरी घाट है। वो गमेरी घाट है जो कि आपका विश्वनाथ चाराली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये मिस्टेक हो गया है। गाइस, आप लोग देख ही रहे हैं, हम लोग ब्रह्मपुत्र के नदी के ऊपर से होके जा रहे हैं और बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है जाके। तो मैं जा रहा हूँ मेरा एक दोस्त के घर, जो कि आप लोगों को मैंने मेरा जो पहला वीडियो है वहाँ पे दिखाया था, पवन चौधरी है, तो उनका घर जा रहा हूँ घूमने के लिए। तो ये जो वे है, आप लोग आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा है और कम टाइम में आप पहुँच सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि हम लोग तो गाड़ी में या तो फिर सड़क से होके तो हर टाइम जाते ही हैं, एक बार फेरी में जाके, नाव में जाके, पानी के ऊपर से जाके भी देख लीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। और यदि वीडियो अच्छा हुआ हो तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और जानता हूँ वीडियो इतना अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा तो इतना एक्सपीरियंस है नहीं वीडियो बनाने का, बोलते बोलते एक्चुअली कुछ भी बोल देता हूँ कभी कभी तो। और जो वीडियो का क्वालिटी है वो भी शायद इतना अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि मैं जो मोबाइल फ़ोन का कैमरा है उसी से वीडियो शूट करता हूँ। यदि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे आगे जाके तो मैं हो सके जो कैमरा है, कैमरा का जो व्यू है, शूट है, तो वो सारा कुछ दिखा सकूँ, ड्रोन का शूटिंग वगैरह भी दिखा सकूँ। तो आशा करता हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, ज़रूर मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को आगे बढ़ाएंगे। तो एक्चुअली ये जो वीडियो है, दोबारा बोल दे रहा हूँ, ये जो वीडियो है स्पेशली असम का लोगों के लिए है। और मैं वीडियो हिंदी में इसीलिए बनाता हूँ ताकि असमीस में बनाने से क्या होता है, सिर्फ असम का लोग ही देखते हैं, और हिंदी में बनाने से क्या होगा, असम का लोग तो हिंदी जानते ही हैं और असम के अलावा जो बाहर के होते हैं वो लोग भी ये वीडियो देख पाए, असम का जो जगह है, जो मतलब एनवायरमेंटल है वो देख सके, जो प्राकृतिक परिवेश है वो देख सके, इसीलिए मैं वीडियो को जो है हिंदी में बनाता हूँ। एक्चुअली ये जो है बोकाघाट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हम जहाँ से आए हैं अभी, तो आपको बोकाघाट से डायरेक्टली धनसी घाट आना पड़ेगा, वहाँ पे आपको फेरी मिल जाएगा सुनीतपुर, या तो फिर आपको सुनीतपुर जाना हो या तो फिर विश्वनाथ चाराली जाना हो या तो फिर लखीमपुर जाना हो, तो ये जो मतलब ये वे है जो बहुत ही शॉर्ट होता है, आपको एक घंटा में ही आप मतलब सफ़र कर सकते हैं। और यदि ऐसे ही आप बाई रास्ता से जाएंगे तो लगभग 4 से 5 घंटा लग जाएगा, और जाने में भी अच्छा लगता है, पानी से होके ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर होके हम जाते हैं, बहुत सारा पक्षी वगैरह भी देखते हैं और लोग जो है मछुआरा होते हैं, मछली पकड़ते रहते हैं, वो सारा कुछ भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा यदि आते हैं तो। और जो भाड़ा जो है फेरी का, एक्चुअली वो भी इतना ज़्यादा है नहीं, एक लोग का, एक पर्सन का 200 लेते हैं। और
ठीक है, वीडियो को देखते रहिए, ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा इस वीडियो को, और एंड तक बने रहिए। मैं जो उधर जाऊंगा, उस घाट में जब जाऊंगा तो मतलब घाट का भी वीडियो पूरा आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, पहुँचने का वीडियो उस पार का। अच्छा लग रहा है आके, मेरा ये तो मतलब फेरी से कहीं पे जाने का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझको। आप लोग भी आइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। और मेरा साथ मेरा भाई है तो उसको भी दिखा देता हूँ। इधर देख कैसा लग रहा है, बोल। बढ़िया लग रहा है, और कुछ बोल, कुछ बोल। इधर 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 कैसा लग, लाइक कर दीजिए इसको, सपोर्ट कर दीजिए, और ये तो नया नया बना रहा है अभी, प्लीज़ इसको शेयर करिए। तो गाइस, फेरी में फैसिलिटी भी मिलता है, जैसे कि चाय का फैसिलिटी, देखिए गर्मा गर्म चाय मिल रहा है, और मिल जाएगा तो खाते हुए एंजॉय करते हैं। ये जो जांडी है वो तो अलग ही मज़ा है जांडी खाने के लिए, तो यहाँ पे आपको खाने के लिए भी मिल जाएगा चाय भी, और सफ़र में भी तो बहुत ही मज़ा होने वाला है। तो देखते रहिए वीडियो, आगे जो घाट होता है उसका नाम तो इतना क्लियर जानता नहीं हूँ, फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दे दूँगा, कहाँ से कहाँ तक से जाना पड़ेगा, कौन सा घाट से कौन सा घाट, और टाइम टेबल क्या है सारा कुछ मेंशन कर लूँगा, वो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। तो बने रहिए उस पर जाने तक। ये है एक्चुअली फेरी का ड्राइवर, तो स्टीयरिंग पकड़ के बैठ रहे हैं। तो एक्चुअली जो जहाँ से आए, जो घाट है उसका नाम उनसे ही पूछ लेते हैं, आप लोगों को बता देगा, जहाँ जा रहे हैं उस घाट का भी नाम आपको आप लोगों को बता देगा, और प्लस कितना बजे मतलब इधर से जाता है और कितना बजे उधर से फिर से रिटर्न होता है वो सारा कुछ बता देगा। एक्चुअली कितना बजा है फलफ रहा है ये फल तो मंजी मुख साढ़े दसटा और गमी पड़ा साढ़े बारहटा। तो गाइस एक्चुअली जो है धनश्री घाट से 10 से लेके 10:30 बजे तक फेरी छोड़ता है, और कपिली घाट से वही 12 से लेके 12:30 तक ये जो है फेरी छोड़ता है। तो यही टाइम टेबल है उसका, और हर सीज़न में चलता है, तो गुटे सीज़न में फल है ना, तो हर सीज़न में चलता है, तो आप किसी भी टाइम आ सकते हैं फेरी से। तो ठीक है, वीडियो पे बने रहे। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं, जो कि है विश्वनाथ चाराली डिस्ट्रिक्ट पे। तो हम लोग आए धनश्री घाट से होके, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर से होके कपिली घाट, और हमें लेने के लिए भी मेरा दोस्त आ गया है, तो चलिए जाते हैं जहाँ पे आए हैं। और ये है पूरा ज़्यादा नीचे, ये है कपिली घाट, और आया या नहीं आया बोता। ये है पूरा कपिली घाट, कैसा लगा भाई? हाँ बढ़िया, एकदम मस्त लग रहा है आने में, और क्या बोलूँ भाई, गजब का नज़ारा था यार, गजब ना, गजब पूरा मस्त लगा ना आके। ओके भाई लोग, एक्चुअली वीडियो को अभी हम लोग ख़त्म करने जा रहे हैं, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो जो कर सके सब कुछ कीजिए, लेकिन मेरा चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, और सब कुछ कीजिएगा, बेल आइकॉन भी जल्दी से जल्दी। ओके, और ठीक है, सपोर्ट कीजिए, फुल सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से। और जो अभी मैंने जो भाई को, और देखिए अभी हम तो आपको
मतलब पानी के ऊपर से लेके आए, जो मतलब जिस तरफ से आए वो बहुत ही शॉर्ट रास्ता है, आप लोग भी आ सकते हैं। और तो बहुत ही कम समय में हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, लगभग 1 घंटा 15 मिनट लगा। अभी जा रहे हैं घर से, थोड़ा मतलब ये होता है नदी के साइड में तो गाड़ी वगैरह मिलेगा नहीं, तो थोड़ा पैदल जाके साइड में मिल जाएगा। तो चलिए, मेरा दोस्त भी आता मतलब आ चुका है, शायद रुका हुआ है, तो उनसे मिलते हैं और उन लोगों के घर जाते हैं। थोड़ा विश्वनाथ चारली डिस्ट्रिक्ट घूमते हैं। चलिए, सो फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। पता है मुझे वीडियो इतना अच्छा हुआ नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग यदि मुझे सपोर्ट करते हैं तो ज़रूर और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो वीडियो को करते हैं ख़त्म। ओके, थैंक यू।